हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट आंसर। पहले चैप्टर का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट। ये इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देने जा रहे हैं आपको, जो बोर्ड पेपर को देखते हुए बनाए गए हैं, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत ही शीघ्र आने वाले हैं, तो उसके लिए ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तैयार किए हैं स्टूडेंट के लिए, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्संस द ऑथर फाउंड हु स्पोक इंग्लिश, कि कितने लोगों को लेखक ने पाया, जो कितने लोगों का पता लगाया, फाउंड किया, जो अंग्रेजी बोलते थे। तो आंसर है इसका एट एवरी स्टेशन, यानी कितने लोगों का लेखक पता लगाता था जो अंग्रेजी बोलते थे। हाउ मैनी पर्सन्स द ऑथर फाउंड हु स्पोक इंग्लिश, कि जो अंग्रेजी जानते थे, ऐसे कितने लोगों का ऑथर ने पता लगाया। तो आंसर इसका एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर द ऑथर वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म, कि प्रत्येक स्टॉप पर ऑथर वुड आस्क पूछा करता था एटलीस्ट कम से कम 3 लोगों से प्लेटफॉर्म पर, बिफोर ही कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, इसके पहले कि वो पता लगा सके एक अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति का, अर्थात जो अंग्रेजी बोल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज द ऑथर इन सर्च ऑफ अ पर्सन हु न्यू इंग्लिश, ऑथर वाई वॉज द ऑथर इन सर्च ऑफ, ऑथर खोज में क्यों था, ऑफ अ पर्सन हु न्यू इंग्लिश, जो अंग्रेजी जानता था, ऐसे व्यक्ति की खोज में ऑथर क्यों था, लेखक क्यों था। तो आंसर इसका, दिस इज बिकॉज इन दिस वे ही वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। ऐसा इसलिए है, दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए है कि इन दिस वे, इस तरीके से, ही वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था टू गेट, पाने की, अ फील, एक अनुभव, ऑफ द पल्स, पल्स अर्थात नब्ज ऑफ द नेशन, नेशन की, राष्ट्र की नब्ज का एक अनुभव पाने की कोशिश कर रहा था, अर्थात नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। चेकिंग ओपिनियन, क्या करते हुए, चेक करते हुए ओपिनियन, राय, लोगों की राय, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कि सरकारी जो बर्ताव है, कामकाज है, और रिपोर्ट्स है, जो सूचनाएं हैं, इन सब के प्रति वो ओपिनियन चेक कर रहा था, और इस प्रकार से वो कोशिश कर रहा था राष्ट्र की नब्ज टटोलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन द ऑथर एंड इंग्लिश नोइंग पर्सन, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन अर्थात वार्ता, कि ऑथर और इंग्लिश नोइंग पर्सन के बीच, जो अंग्रेजी जानता था उस पर्सन के बीच, वार्तालाप का क्या सब्जेक्ट था। तो आंसर इसका, वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, कि वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक मुद्दे, और प्रत्येक वो मेजर टॉपिक, बड़ा टॉपिक, कि द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो उस दिन के समाचार में प्रोड्यूस होता था, प्रकाशित होता था, ये वर द सब्जेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन देम, उनके बीच बात करने के, वार्ता की विषय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट वॉज द इंटेंशन ऑफ द ऑथर्स टॉकिंग टू द पीपल, वॉट वॉज द इंटेंशन, क्या इरादा था, ऑफ द ऑथर्स टॉकिंग, ऑथर के बात करने का, टू द पीपल, लोगों से बात करने का, यहाँ ऑथर्स में एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, ऑथर्स टॉकिंग, ऑथर के बात करने का, क्या इरादा था लोगों से बात करने का, ऑथर का, तो द इंटेंशन ऑफ द ऑथर, ऑथर्स टॉकिंग, यहाँ ऑथर्स होना चाहिए, ऑथर्स टॉकिंग टू द पीपल वॉज टू गेट टू नो, वाज टू गेट टू नो द व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट द सिचुएशन एंड इश्यूज ऑफ द नेशन, कि जो इरादा था लोगों से बात करने का, वाज टू गेट, पाना, टू नो, जानना, अर्थात ये जानना था जो इंटेंशन था लेखक का, कि व्यूज एंड ओपिनियंस, कि क्या व्यूज हैं, क्या ओपिनियंस है अबाउट द सिचुएशन एंड इश्यूज ऑफ द नेशन, कि जो सिचुएशन, परिस्थितियां हैं, और जो मुद्दे हैं राष्ट्र के, उनके बारे में जानना। या हम
द इंटेंशन ऑफ द ऑथर्स टॉकिंग टू द पीपल वॉज टू नो, यहाँ टू गेट हटाकर हम नो भी कर सकते, टू नो, यहाँ टू गेट निरर्थक है, हटा दिया जाए तो भी ठीक है, टू गेट टू नो द व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट द सिचुएशंस एंड इश्यूज ऑफ द नेशन। दस इस प्रकार ही वॉन्टेड टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से राष्ट्र की नब्ज को टटोलना चाहता था, अर्थात फील करना चाहता था देश की नब्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रिफ्यूजीज केम टू इंडिया, कितने रिफ्यूजीज भारत आए, तो 9 मिलियन रिफ्यूजीज, 9 मिलियन पीपल एज रिफ्यूजीज, शरणार्थियों के रूप में केम टू इंडिया, भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड मैनी रिफ्यूजीज डाई ऑन द वे, क्यों कई रिफ्यूजी शरणार्थी रास्ते में मर गए, ऑन द वे डाई, ऑन द वे रास्ते में मर गए, क्यों कई रिफ्यूजीज रास्ते में मर गए, तो इसका आंसर है द रिफ्यूजीज वर पुअर पीपल, दे कुड कैरी अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स व्हेन दे लेफ्ट पाकिस्तान, एज सून एज दे वर आउट ऑफ फूड दे बिकेम वीकर डे बाई डे एंड डे बाई डे ड्यू टू हंगर एंड डाई डाइड ऑन द वे, यहाँ डाई की जगह डाइड है। द रिफ्यूजीज वर पुअर पीपल, अब जो शरणार्थी लोग थे वे गरीब थे, दे कुड कैरी अ बिट ऑफ फूड, वे अपने साथ अ बिट ऑफ फूड थोड़ा भोजन ला सके, कैरी कर सके, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स और कुछ सामान थोड़ा सा, व्हेन दे लेफ्ट पाकिस्तान जब उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, एज सून एज दे वर आउट ऑफ फूड और शीघ्र ही वे आउट ऑफ फूड हो गए, अर्थात बिना भोजन के हो गए, दे बिगेन बिकेम बीकर भी कमजोर होना शुरू हो गए, अर्थात वे कमजोर हो गए, डे बाई डे दिनों दिन कमजोर होते गए ड्यू टू हंगर भूख के कारण, एंड डाइड यहाँ डाई की जगह डाइड है, डाइड ऑन द वे और रास्ते में मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड सो मैनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कि क्यों सो मैनी पीपल पाकिस्तान से भारत आए, अथवा ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है वाई डिड द रिफ्यूजीज लीव पाकिस्तान, या शरणार्थियों ने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, तो इसका आंसर है मैनी पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फेनाटिसिज्म, कि मैनी पीपल केम टू इंडिया, कई लोग भारत आए फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से, आफ्टर द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, पार्टीशन अर्थात बंटवारा, बाई द किस कारण से, किस वजह से, बाई द फियर ऑफ भय से, ऑफ रिलीजियस फेनाटिसिज्म, रिलीजियस अर्थात धार्मिक, और फेनाटिसिज्म अर्थात उन्माद, कि धार्मिक पागलपन या कट्टरता के चलते, फेनाटिसिज्म मीन होता है कट्टरता या उन्माद, कि धार्मिक कट्टरता के चलते स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के बाद कई लोग भारत से, पाकिस्तान से भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर दे पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रिप, हाउ वर दे पुअरर वे गरीब कैसे हो गए, एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक जब उन्होंने अपनी, जैसे ही उन्होंने अपनी लॉन्ग ट्रैक लंबी यात्रा शुरू की तो गरीब कैसे हो गए, अर्थात यहाँ दे का अर्थात है रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान से भारत लोग आए थे पाकिस्तान छोड़कर बंटवारे के बाद, तो दे कुड कैरी ओनली अ लिटिल फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, वे अपने साथ दे कुड कैरी कर सके अब लिटिल फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा सामान, बिलोंगिंग्स मतलब सामान, सून देवर आउट ऑफ फूड शीघ्र ही वे बिना भोजन के हो गए, आउट ऑफ फूड हो गए, मोस्ट पार्ट ऑफ द आइटम्स ब्रॉट बाई देम वाज स्पेंट, और जो भी ज़्यादातर हिस्सा पार्ट उनके द्वारा जो आइटम भी लाए गए लाए थे वो स्पेंट हो गया, खर्च हो गया, सो दे वर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग टर्म, और इसलिए वे गरीब होते गए जैसे ही उन्होंने अपनी लंबी यात्रा शुरू की, ट्रैक मीन होता है यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुड ऑल ऑफ देम रीच इंडिया वेल, क्या सभी अच्छे तरीके से भारत पहुंचे, इफ नॉट अगर नहीं वाई तो क्यों, तो आंसर इसका ड्यू टू द लैक ऑफ फूड भोजन की कमी के कारण मैनी ऑफ देम बिकेम वीक, कई लोग कमजोर हो गए, मैनी ऑफ देम बिकेम वीक, कई लोग उनमें से कमजोर हो गए, स्टारवेशन एंड वीकनेस मेड देम लाइफलेस, और भूख
और कमजोरी ने उनको लाइफलेस कर दिया, निर्जीव कर दिया, अर्थात उसकी वजह से मर गए। दे डाइड वेयर दे फॉल, वे मर गए जहां भी गिरे। सो ऑल ऑफ देम कुड नॉट रीच इंडिया वेल, इसलिए सब लोग भारत अच्छे से नहीं पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द लिटिल चिल्ड्रन डिसेंड ऑन द ऑथर्स ऑथर लाइक लोकस्ट। यहाँ ऑथर्स की जगह ऑथर है। व्हाई डिड द लिटिल चिल्ड्रन, क्यों छोटे बच्चे डिसेंड चढ़ गए ऑन द ऑथर लाइक लोकस्ट, कि ऑथर को टिड्डी दल की तरह, लोकस्ट की तरह क्यों घेर लिया बच्चों ने, छोटे बच्चों ने। तो द लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन द ऑथर लाइक लोकस्ट बिकॉज ही सीम्ड टू देम द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, कि द लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ऑन द ऑथर, कि छोटे बच्चे डिसेंडेड ऑन द ऑथर, ऑथर को चारों ओर से, डिसेंडेड ऑन द ऑथर लाइक लोकस्ट, कि टिड्डी दल की तरह उसके ऊपर चढ़ गए या उसको घेर लिया। बिकॉज, क्योंकि ही सीम्ड, वो प्रतीत हुआ टू देम, उनको द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, सबसे अच्छा मार्केट अर्थात सबसे अच्छा एक ग्राहक प्रतीत हुआ उनको, इसलिए वे उसको घेर के खड़े हो गए, घेर लिया सब बच्चों ने टिड्डी दल की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन दैट मेड द ऑथर फॉल इन लव विद इंडिया, कि व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था दैट मेड द ऑथर, जिस चीज ने, यहाँ दो बार द ऑथर दिया, यहाँ एक बार द ऑथर है, यहाँ फुल की जगह फॉल है। व्हाट वाज द रीजन दैट मेड द ऑथर फॉल इन लव विद इंडिया, कि वो क्या कारण था जिसने, जिस वजह से ऑथर को भारत से प्रेम हो गया। तो आंसर है, द रीजन दैट मेड द ऑथर फॉल इन लव विद इंडिया वाज, कि जो वो कारण था जिसने भारत को, जिस कारण से ऑथर को भारत से प्रेम हो गया, वाज था अ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी, कि शिष्टाचार का एक जीवंत भाव, एक समझ, सेंस एंड सिटीजनशिप ऑफ पीपल, लोगों की जो शिष्टाचार और नागरिकता के प्रति जो एक जीवंत समझ थी, उस चीज ने लेखक को प्रेरित किया और भारत, लेखक का भारत के साथ प्रेम हो गया, अर्थात लेखक को भारत से प्रेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू नो दैट, आप कैसे जानते हैं कि द पीपल इन द कंट्री होल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट इन हाई एस्टीम, कि आप कैसे जानते हैं कि द पीपल इन द कंट्री, जो देश में जो लोग हैं, होल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट इन हाई एस्टीम, कि बहुत उच्चता से आत्मसम्मान को कायम रखते हैं। तो आंसर इसका, अ रिफ्यूजी नाइन ईयर्स ओल्ड गर्ल हु वाज पुअर एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन रिफ्यूज चैरिटी, कि एक शरणार्थी, अ 9 ईयर ओल्ड गर्ल, कि 9 वर्ष की बच्ची, हु वाज पुअर, जो गरीब थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, कि भुखमरी कगार पर थी, एज मतलब कगार, किनारे पर, स्टारवेशन भूख, रिफ्यूज चैरिटी, उसने दान लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, चैरिटी अर्थात दान। तो दिस क्लियरली डिपिक्ट्स, ये चीज क्लियरली डिपिक्ट्स करती है, वर्णन करती है दैट कि द पीपल इन द कंट्री, कि देश में लोग हेल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट इन हाई स्टीम, कि बहुत उच्चता से, बहुत ऊंचे स्तर से हेल्ड किए हुए थे सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान को बनाए रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द ऑथर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द बास्केट फ्रॉम द गर्ल इन द बिगिनिंग, वाई वाज द ऑथर नॉट इंटरेस्टेड, ऑथर इंटरेस्टेड क्यों नहीं था इन बाइंग, खरीदने में, द बास्केट फ्रॉम द गर्ल, लड़की से बास्केट खरीदने में, इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में ऑथर लड़की से टोकरी खरीदने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था। तो आंसर है, द ऑथर हैड ऑलरेडी बॉट मैनी बास्केट एंड हिज आर्म्स वर फुल विद देम, कि ऑथर हैड ऑलरेडी बॉट मैनी बास्केट, कि ऑथर ने पहले से ही बहुत सारी टोकरियां खरीद ली थी, एंड हिज आर्म्स वर फुल विद देम, और उनसे उनके उसके हाथ भर चुके थे। सो ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग द बास्केट फ्रॉम द गर्ल इन द बिगनिंग, सो इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं था प्रारंभ में लड़की से
बास्केट खरीदने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द गर्ल रिटर्न द ऑथर्स मनी दैट ही हैड गिवन हर एज ग्रेच्युटी। व्हाई डिड द गर्ल रिटर्न द ऑथर्स मनी, अब ऑथर के पैसे उसने धन क्यों लौटा दिया, दैट कि ही हैड गिवन हर एज, जो उसने उस लड़की को ग्रेच्युटी दान के रूप में दिया था, खैरात के रूप में दिया था, उसने क्यों लौटा दिया। तो आंसर है द गर्ल वॉन्टेड टू अर्न अर्न मनी थ्रू सेलिंग द बास्केट, यहाँ हेड नहीं है, द गर्ल वॉन्टेड टू अर्न मनी कि पैसे वो कमाना चाहती थ्रू सेलिंग द बास्केट, अपनी टोकरी बेच के। सी बिलीव्ड इन हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस, और वो डिलीजेंस, वो हार्ड वर्क और डिलीजेंस यानी परिश्रम में बिलीव करती थी। सी डिड नॉट वॉन्ट चैरिटी, और वो चैरिटी नहीं चाहती थी इसलिए उसने मना कर दिया, उसने लौटा दी। सो ही रिटर्न द ऑथर्स मनी दैट ही हैड गिवन हर एज चैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ऑथर, यहाँ ऑथर्स नहीं है, ऑथर है, वेयर वाज द ऑथर गोइंग, ऑथर कहाँ जा रहा था लेखक, और फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, कहाँ से उसने शुरू किया था, और हाउ डिड ही ट्रेवल, उसने कैसे यात्रा की। द ऑथर वाज गोइंग टू रानीखेत, ऑथर वाज, पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑथर रानीखेत जा रहा था। ही स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, उसने दिल्ली से शुरुआत की थी। ही ट्रेवल्ड, यहाँ ट्रेवल्ड में TRAVELLED है, ही ट्रेवल्ड दिल्ली, ही ट्रेवल्ड दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। ही उसने दिल्ली से बरेली तक ट्रेन से गया और फिर इसके बाद रानीखेत कार से गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन ऑथर वाज ट्रेवलिंग बाई, कि उस ट्रेन का संक्षिप्त वर्णन दें जिससे ऑथर यात्रा कर रहा था। तो आंसर इसका, द ट्रेन वाज स्लो एंड स्टॉप्ड एट एवरी स्टेशन, ट्रेन जो थी वो स्लो थी और प्रत्येक स्टेशन पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, द ऑथर अलाइटेड ऑन द प्लेटफॉर्म, कि ऑथर प्रत्येक स्टेशन पर ऑथर प्लेटफॉर्म में उतरता था। ही ऑल्सो एन्जॉयड द साइट ऑन द वे थ्रू द ट्रेन, वो ट्रेन में से यानी थ्रू द ट्रेन, ट्रेन में से सारी साइट्स जो दृश्य होते थे उनको रास्ते में एंजॉय करता था। ही सॉ रिचेस्ट एग्रीकल्चरल एरिया, उसने समृद्ध कृषि प्रधान क्षेत्रों को देखा, अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट, कई जंगलों को देखा, एटसेट्रा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, कि राष्ट्र की भाव नब्ज को टटोलने के लिए ऑथर ने क्या किया। व्हाट डिड द ऑथर डू, ऑथर ने क्या किया, टू गेट, पाने के लिए, अ फील, एक अनुभव, ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की नब्ज का एक अनुभव पाने के लिए, अर्थात राष्ट्र की नब्ज टटोलने के लिए उसने क्या किया। तो टू नो मोर अबाउट पीपल एंड देयर ओपिनियंस अबाउट द करेंट कंडीशन ऑफ दैट टाइम, द ऑथर वॉक द प्लेटफॉर्म एंड टॉक टू द पीपल अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स एंड द इवेंट्स ऑफ दोज डेज, दस ही गॉट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। कि ऑथर कहता है टू नो मोर अबाउट पीपल, कि ज्यादा लोगों के बारे में जानने के लिए, एंड देयर ओपिनियन, उनके ओपिनियन के बारे में जानने के लिए, अबाउट द ओपिनियन किसके विषय में, अबाउट द करेंट कंडीशन ऑफ दैट टाइम, उस समय की करेंट कंडीशन क्या थी, इसके बारे में ओपिनियन जानने के लिए द ऑथर वॉक द प्लेटफॉर्म, ऑथर प्लेटफॉर्म पर वॉक करता था, टहलता था, एंड टॉक टू द पीपल अबाउट वर्ल्ड अफेयर्स एंड इवेंट्स ऑफ दोज डे, उन दिनों की घटनाओं और वर्ल्ड अफेयर के बारे में लोगों से बात करता था। दस इस प्रकार ही गॉट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से उसने देश की नब्ज टटोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स द ऑथर सॉ ऑन हिज वे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, कि डिस्क्राइब द थिंग्स, उन चीज़ों को डिस्क्राइब करें, वर्णन करें, और उन सीन्स का, उन दृश्यों का, द ऑथर सॉ, जो ऑथर ने देखे ऑन हिज वे, अपने रास्ते में, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, कि नई दिल्ली से रानीखेत के रास्ते में जो भी ऑथर ने वस्तुएं और दृश्य देखे उनका वर्णन करें। तो ऑन हिज वे
अपने रास्ते में द ऑथर सॉ द एग्रीकल्चरल एरियाज, ऑथर ने क्या देखा, कृषि प्रधान क्षेत्र देखे यानी खेत वगैरह, जंगल्स द जंगल्स एंड फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, और वो विस्तृत वो समतल भूमि जो क्षितिज तक जाती थी, रनिंग टू द हॉरिजन, हॉरिजन अर्थात क्षितिज। ही ऑल्सो सॉ मंकीज, सा के बाद जो मंकी है इसमें गैप है, ही सॉ मंकीज, उसने बंदरों को भी देखा, ही सम ऑफ देम वर मदर्स, अब वर मदर्स के बाद यहाँ वर के बाद गैप है थोड़ा, सम ऑफ देम वर मदर्स, उनमें से कुछ जो बंदर थे वो माएँ थी अर्थात बंदरियाँ थी। ही सॉ विलेजेस विच हैड हट्स मेड ऑफ विच हैड हट्स, जिनमें झोपड़ियाँ थी मेड ऑफ थेस्ट एंड मड, जो छप्पर और मिट्टी की बनी हुई थी। यहाँ हट्स के बाद गैप है एंड ऑफ के बाद मेड ऑफ, मेड ऑफ के बाद फिर गैप है थोड़ा, फिर इसके बाद है मेड ऑफ थेच यानी छप्पर एंड मड, ऐसे है यानी ये इसको हम कहेंगे। ही सॉ सम विलेजेस विच हैड हट्स मेड ऑफ थेच एंड मड, कि जो छप्पर और मिट्टी की बनी हुई कुछ झोपड़ियाँ थी वे उसने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिस्टर्ब द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑथर्स कन्वर्सेशन एट वन ऑफ द स्टेशन, कि व्हाट डिस्टर्ब, किस चीज़ ने डिस्टर्ब कर दिया द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑथर्स कन्वर्सेशन, ऑथर की वार्ता की कंटिन्यूटी को किसने डिस्टर्ब कर दिया, किस चीज़ ने डिस्टर्ब किया एट वन ऑफ द स्टेशन, एक स्टेशन पर, कि उन स्टेशनों में से एक स्टेशन पर किसने ऑथर की बात करने का सिलसिला भंग कर दिया। तो एट वन ऑफ द स्टेशन, एक स्टेशन पर द ऑथर अलाइटेड, ऑथर उतरा, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड हिम, कि एक छोटे बच्चों का एक समूह ग्रुप ने उसको चारों ओर से घेर लिया, देवर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, वे रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे एंड दे वॉन्टेड टू सेल देयर आर्टिकल्स टू द ऑथर, वे अपनी वस्तुएं आर्टिकल्स को ऑथर को बेचना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स द ऑथर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, किस चीज ने ऑथर को फोर्स किया, बाधित किया, बाध्य किया, टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, छोटी बच्ची की बास्केट खरीदने के लिए किस चीज ने ऑथर को बाध्य किया। तो द ऑथर वॉन्टेड टू हेल्प द गर्ल, ऑथर लड़की की मदद करना चाहता था बट लेकिन कुड नॉट बाय मोर आर्टिकल्स, लेकिन वो ज्यादा वस्तुएं नहीं खरीद सका, सो इसलिए ही ऑफर्ड ग्रेचुटी एज सब्स्टिट्यूट, कि इस के स्थान पर, सब्स्टिट्यूट मतलब प्रतिस्थापन, यानी इसके स्थान पर उसने दान को ऑफर किया यानी कुछ दान दिया, विच सी डिड नॉट लाइक, जो उस लड़की को पसंद नहीं आया, दस इस प्रकार द ओनली ऑप्शन, जो एकमात्र ऑप्शन था, विकल्प था, द ओनली ऑप्शन ही लेफ्ट विद, जो बचा था उसके साथ, टू बाय हर बास्केट, कि वो यही था कि उसकी टोकरी वो खरीद ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड द ऑथर रियलाइज दैट, किस चीज ने ऑथर को प्रेरित किया ये महसूस करने में, ये महसूस करने के लिए, दैट कि ही हैड गिवन ऑफेंस, कि उसने अपराध किया है, बाय एक्सटेंडिंग द ग्रेचुटी, कि एक्सटेंड करके दान, एक्सटेंडिंग द ग्रेचुटी, ग्रेचुटी अर्थात दान, दान को बढ़ाकर, टू द गर्ल, गर्ल के लिए, एज सब्स्टिट्यूट फॉर नॉट बाइंग द बास्केट, की टोकरी ना खरीदने के स्थान पर दान आगे बढ़ाकर, दान आगे बढ़ाकर ऐसा करके उसने ये अपराध किया है, तो ऐसा किस चीज ने उसको प्रेरित किया इस चीज के लिए, रियलाइज किया कि उसने दान की जगह यानी उसकी वस्तु ना खरीदने की जगह जो उसने दान आगे बढ़ा दिया, उसको ऑफर कर दिया, ये एक अपराध हो गया उसके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है, एज द ऑथर पुट द मनी इन हर बास्केट, क्योंकि ऑथर ने जब मनी उसकी बास्केट में रखी, द गर्ल रेस्ड हर चेन, तो लड़की ने क्या किया, अपनी ठोड़ी उठाई ऊपर यानी अपना चेहरा ऊपर किया, टुक आउट द मनी फ्रॉम द बास्केट, और बास्केट से वो मनी बाप निकाली बाहर, एंड रिटर्न यानी पैसा वो बाहर निकाला, एंड रिटर्न इट टू हिम, और उसको वापस कर दिया, विद प्राइड एंड ग्रेशियसनेस, पूरे गर्व और शान के साथ, ग्रेशियसनेस के साथ। एट दिस मोमेंट, इस क्षण, द ऑथर फेल्ट, ऑथर ने महसूस किया,
यहाँ द की जगह दैट है, दैट कि ही हैड ऑफेंडेड हर, कि उसने उसको ऑफेंड, यहाँ कुछ अपराध किया है ऐसा उसने महसूस किया, कि उसने उसको हर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर विलियम सी डगलस से इन प्रेज ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि भारत के लोगों की प्रशंसा में विलियम सी डगलस ने क्या कहा, ऑथर ने। तो ही फाउंड दैट, उसने पाया कि इंडियंस आर ऑनेस्ट डेलीजेंट एंड डिसेंट, कि इंडियंस जो है वो ऑनेस्ट है, डेलीजेंट परिश्रमी और डिसेंट है, सब है, शालीन है। दे हैव पैशन फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड सिटीजनशिप, उनके पास फॉर देयर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता और नागरिकता के लिए एक पैशन है, एक तीव्र भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट पिक्चर डिड विलियम सी डगलस कैरी बैक इन द माइंड ऑफ अवर कंट्री एंड द पीपल एज अ होल, कि कुल मिलाकर, एज अ होल कुल मिलाकर किस प्रकार का चित्र अपने मन में लेखक वापस ले गए अपने देश और लोगों का, हमारे देश और लोगों का किस प्रकार का चित्र अपने मन में वो ले गए। तो आंसर इसका, विलियम सी डगलस कैरीड अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट द इंडियन इंडियंस एंड देयर वर्च्यूज विद हिम, कि वेरी हाई ओपिनियन, की बहुत उच्च मत या राय ले गए अबाउट द इंडियंस एंड देयर वर्च्यूज विद हिम, भारतीय और भारतीयों का जो गुण है उनका। विलियम सी डगलस कैरीड अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट द इंडियंस एंड देयर वर्च्यूज विद हिम, कि अपने साथ बहुत उच्चता का भाव ले गए, कि भारतीयों के बारे में, उनके गुणों के बारे में बहुत उच्चता का भाव वो ले गए। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई द वार्म सोल ऑफ इंडिया, कि भारत की जिंदा दिली यानी वार्म सोल ऑफ इंडिया से, भारत की जिंदा दिली से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, एंड लाइक देम इन हाई एस्टीम, और बहुत उच्चता से, बहुत उच्च स्तर पर, हाई एस्टीम पर, उच्च सम्मान पर उन्होंने इसको पसंद भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, क्यों मिलियंस ऑफ लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के भारत आए, यानी भारत के लिए पाकिस्तान छोड़ दिया, लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, यानी कहने का अर्थ है कि रवाना हुए पाकिस्तान से इंडिया में। वाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, तो क्वेश्चन का आंसर है ड्यू टू द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे के कारण, एंड वाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, और धार्मिक कट्टरता के भय के कारण मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, लाखों लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वही हमको मोटिवेट करते हैं, और ये एक टाइप का हमारे लिए एक पावर बूस्टर है, जो हमें बूस्ट कर देते हैं आपके कमेंट। और आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, जिससे जो भी हम आगे वीडियो दें वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।